इंदौर में एक बड़ी कार्रवाई के तहत प्रशासन ने नेताजी सुरेश पटेल की अवैध रूप से बनाई गई कोठी को ध्वस्त कर दिया है। यह कोठी सरकारी जमीन पर बनाई गई थी और इसके निर्माण को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा था। सुरेश पटेल पर पहले भी गंभीर आरोप लगे हैं, जिसमें तहसीलदार और पटवारी पर फायरिंग कराने का मामला शामिल है। जब प्रशासन की टीम कोर्ट के निर्देश पर सुरेश पटेल के अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने पहुंची थी, तब सुरेश पटेल के इशारे पर उनके सुरक्षा गार्ड ने तहसीलदार और पटवारी पर गोली चलाई थी। इस घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी और अधिकारियों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। प्रशासन ने पहले सुरेश पटेल को नोटिस भी जारी किया था, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बाद नगर निगम ने सख्ती दिखाते हुए सुबह 5 बजे भारी पुलिस बल के साथ उनकी कोठी को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान सुरेश पटेल और उनके समर्थकों ने विरोध भी किया, लेकिन प्रशासन ने 4 JCB और 1 पोकलेन की मदद से कोठी को तोड़ने का काम पूरा किया। सुरेश पटेल और उनके सहयोगियों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और इलाके में गुंडागर्दी फैलाने के आरोप में रासुका के तहत केस दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई के बाद प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अवैध निर्माण और गुंडागर्दी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।